गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। आज है मैथ का वीडियो, पहला वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन का टेस्ट नंबर 6 है मैथ का। मैथ पीछे चल रहा था इसलिए मैथ को लेते हैं। आप लोग इसे टेस्ट की तरह लीजिए, आप अपना किया करिए, आंसर अपने आप से बताया करिए। जब मैं बताया करूँ तो मिला लिया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1001 की पावर यदि 2008 है प्लस 1002 है का अंतिम मतलब इकाई का अंक इसमें क्या होगा। इकाई का अंक पूछा जा रहा है ना, इकाई का अंक, इकाई अंक। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इकाई का अंक कैसे पूछा जाता है, इसमें जो घात होती है, जो पावर होता है, इसी में चार से मल्टी डिवाइड किया जाता है आपका। चार से भाग दे देंगे जब आप, तो चार से भाग देने पर यदि शून्य आ जाता है तब तो जो नीचे है वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि शून्य नहीं आता है तब देखिए, यदि शून्य आ जाएगा यहाँ पे ना, तो चार से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, पूरी पूरी बार चला जाएगा ना, एक भी बार नहीं बचेगा। अच्छा, आप ये जानते हैं ना, किसी भी पावर यदि जीरो रहता है तो कितना आता है, एक आता है ना, वन आता है। अब वन यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसका क्या लास्ट डिजिट है, टू है, और टू में वन जब जोड़ेंगे तो थ्री। इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, थ्री हो जाएगा, पहले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसमें इकाई का अंक ढूंढना है। देखिए इकाई का अंक ढूंढते समय कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे केवल और केवल इकाई का मल्टीप्लाई करना है। बस इकाई वाले अंक का आपस में मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 7 5 35, 35 आया ना, फिर 35 का 5 ले लीजिए इकाई वाला, 5 8 40, 40 का 0 ले लीजिए, 0 में 3 का करेंगे 0, 0 में फिर 9 का करेंगे तो 9 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। और ये भी बात जान लीजिए, यदि कहीं भी 5 2, ठीक है, एक विषम और एक यहाँ पे 5 और 8 से 0, ऐसे दो संख्याएं आ जाए जिसके मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आए, उस पूरे सीरीज का अगर मल्टीप्लाई है तो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 5 8 40 देख लीजिए, अगर आप एक जगह हो गया, समझ जाइए कि बिना आँख झपकाए आप कर सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले तो ये जान लीजिए 11 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम, नियम जानेंगे तब भी ठीक है, नहीं जानेंगे तब भी ठीक है। नियम ये है कि वन डिजिट छोड़कर ऐड करते हैं, फिर वन डिजिट छोड़ के इधर ऐड करके अंतर देखते हैं कितने का अंतर है। ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है। देखिए पहले तो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 1739 में यदि 11 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, तो 11 से ले जाएंगे आप एक बार तो एक जगह 63 आ गया, फिर 5 बार ले जाए तो 8 89 आ गया, फिर 8 बार ले जाएंगे 88, एक बचा। जब एक बचा तो एक में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, 11 हो जाएगा, 11 चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दो अंकों वाली किसी संख्या के पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 63 63 बनी चार अंकों वाली सदैव विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है सदैव, तो जान लीजिए आप लोग याद कर लीजिए, 101 से होती है। किससे, 101 से। चलिए नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करता है, सेकेंड के 1/10 भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा। ठीक है, सिंपल है, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटे समय, यही तो होता है ना। आपकी चाल दे दिया है, समय दे दिया है, दूरी पूछा जा रहा है। चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। अब बताइए 1260 को जब हम लोग सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो किससे, तो सीधे सीधे हम लोगों को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब 5/18 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना आएगा, 18 5 90, 18 6 18 7, 7 आएगा, 7 5 35, 350 आ गया। अब 350 मीटर पर सेकेंड से हिसाब चल रही है, तो 1/10 सेकेंड में कितना जाएगा, 3/350 गुणे 1/10, 35 मीटर जाएगी इतने समय में, कितने 35 मीटर जाएगी, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करते हैं, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए
पहले तो जान लीजिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में कितना चलेगा, तो 5 बटे 40, 400 किलोमीटर चलेगा, 400 किलोमीटर। ठीक है, इसी 400 किलोमीटर के 5 घंटे में यदि तय करना रहेगा तो 5 घंटे में तय करेगा कितना, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब चलेगा तो ये पिछले वाले से कितना ज़्यादा है, 50 किलोमीटर से 30 ज़्यादा है, 50 से 30 ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 दूरी रिक्शा से और 2 किलोमीटर जो बची है पैदल चलता है, उस व्यक्ति ने कुल कितने टोटल किए। ठीक है, टोटल पूछना है, पहले तो ये जान लीजिए कितना है आपका, है कि 3/4 + 1/6 जो दूरी है रिक्शा से और बस से तय कर लिया, ये सबका जोड़ने अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11/12, 11/12 इतना दूरी इन दोनों से चलती है, बाकी दूरी जो बचा कितना, तो एक्स में से माइनस कर देंगे इतना तो हो जाएगा 2 किलोमीटर, तो इसमें से माइनस x/12 हो जाएगा, x/12 = 2, एक्स बराबर टोटल टोटल दूरी कितना हो गया, 12 × 24 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि 5 कर्मचारियों को विभाग ए ने विभाग एफ में आपका, ये तो बार का क्वेश्चन है, इसका फिगर चला गया है, कट गया है बीच से, ठीक है इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि 75 नंबर है कि 3 + 3^-1 + 3^2 + 3^-2। देखिए सीधे सीधे पहले ऐड कर देते हैं जो सही सही है बिना माइनस वाला है, तो 3 + इसको ऐड कर लेते हैं 9, ठीक है इधर हो गया 12 प्लस 1/3 हो जाएगा और ये नीचे जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। अब इसे करेंगे 12 प्लस इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, 3 + 1 = 4/9 हो जाएगा, 12 × 9 = 108, 4 = 112/9, ऑप्शन नंबर ए 112/9। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे आराम से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 76 नंबर क्या कर रहा है इसमें, AQ - BQ जो होता है ना फार्मूला, क्या होता है a² + b² a - b इन ब्रैकेट a² + b² + ab, ये होता है ना, तो ए ही दिया है आपका, a² + b² + ab दिया है, मतलब जो ऊपर बचेगा क्या बचेगा, a - b बचेगा, तो डायरेक्ट इसमें माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा आंसर 0.5 में से 0.1 माइनस करेंगे 0.4 बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि 63 माइनस, अच्छा वॉडमॉस वी वॉडमॉस लगाना है इसमें फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को इसको ब्रेक करते हैं, जब इससे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे और 2 × 5 = 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, क्योंकि का पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है 21 हो जाएगा, जब 21 इधर हो गया तो फिर इधर कितना हो गया, 12 × 8 = 10 + 14 + 14 + 3 = 42, तो 63 माइनस आपका है 42/21, 2 हो गया इधर और 63 में से 2 जाएगा आपका 61 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि AQ + BQ, ठीक है AQ इधर बन रहा है और BQ इधर बन रहा है, और देखिए यहाँ पे देखा जाएगा हम लोगों का पूरा टोटल मिला के, तो AQ + BQ का फार्मूला टोटल बन रहा है तभी हम लोगों का इतना आ गया। ठीक है, जब AQ + BQ का फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है a + b³, ए कितना है 4.27, बी कितना है 5.73, इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 7 × 10 = 7 × 9 + 10 × 5 = 9 = 10 + 10.0 = 10, और इसका क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा देना है कि किसका क्यूब बन रहा है क्या, कहीं जब क्यूब बनेगा देख लेंगे हम लोगों का तुरंत आंसर आ जाएगा वहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है यह कि एक आयत दिया आपका वर्ग दिया है, ठीक है इसके चारों किनारों पे थोड़ा सा वृत्तपात का है आपका, इसका कितना त्रिज्या 14 मीटर है, फूलों की क्यारी लगाई गई है, जो शेष भाग है ये सब बचा है ना भाग, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए
वर्ग का तो दे दिया है भुजाएं कितना है, 100 मीटर है। जब वर्ग की भुजाएं 100 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें से इन चारों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि जो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे हो जाएगा कि यदि हम लोग इसको जोड़ें, काल्पनिक करें, यदि हम लोग देखिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ये चारों को मैं एक जगह जोड़ दिया, एक वृत्त बना ना, और जिसका त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब बताइए 14 सेंटीमीटर यदि वृत्त की त्रिज्या है तो फार्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई के वैल्यू दिया है 22/7 × 14 × 14, 7 × 14 22 × 44, में 14 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 44 × 14 जब करेंगे आपका 14 × 56, 14 × 56 5 61, 616। अब 616 को 10,000 में से माइनस जब कर देंगे हम लोग कितना आ जाएगा, 4 आपका 9 में से गया 8, 9 में से 3 हो गया 9, 93/84 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, दो गोलों स्फीयर की सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना, एक संबंध है 4 है। पूछा क्या जा रहा है इसमें कि उनके घनफलों के बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि क्या होता है इसका क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr² इसे r1² कर सकते हैं, 4πr² कर सकते हैं, एक संबंध है 4 दिया है। ये 4π से 4π कट गया, r1/r2 कितना हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, r1/r2 1/2 हो गया। ठीक है अब घनों का अनुपात क्या होता है, 4/3πr³। तो सीधे सीधे तो ये दोनों कट जाएगा, r1³ बचा और r2³ बचा नीचे भी, ठीक है ये भी कट गया इधर। अब यही बचा, तो जो बचा था उसी को क्यूब कर देंगे, एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा, और दो का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो एक संबंध कितना आ जाएगा, 8 ऑप्शन नंबर D। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, देखिए अंडर रूट 0.08 है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका रूट निकालना है कितना हो जाएगा रूट। देखिए सीधे सीधे आप लोग या जब निकालेंगे इसका भाग विधि से तो क्या आ जाएगा आपका, 0.0894 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है निकाल लीजिए। नेक्स्ट है कि 1/11 बराबर है, 1/11 किसके बराबर है, देखिए यदि हम 1/11 को सीधे सीधे भाग देकर पता करें कितना हो जाएगा, एक में ऐसे 11 को भाग देंगे पहली बार क्या जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे जब आपका, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है फिर भी नहीं कम है, फिर भी कम है, फिर लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे, 99 हो गया, एक बचा फिर 9 पे गया था ना, फिर 9 फिर 0 फिर 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9 करते जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बार लगा दें तो हमारा क्या आंसर सटीक हो जाएगा, क्योंकि यही बार बार आ रहा है। ठीक है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, तीन संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका औसत कितना है, 75 है। यदि औसत 75 है तो ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर आ जाएगा आपका सॉरी 25 है तो ऐड करने पर 75 आ जाएगा, इन सभी को ऐड करने पर 75 आ जाएगा। ठीक है इसको ऐड करके देख लेते हैं कि 5 4 9, 9 6 15, 15x बराबर हो गया 75, तो x बराबर कितना हो गया 5। जब x बराबर 5 हो गया तो सभी का देख लेते हैं, 5 2 का 20 हो गया, दूसरा हो गया 5 5 25, और तीसरा अंक हो गया 5 6 का 30। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें है, तो सबसे बड़ा 30 है। ठीक चलिए नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर और 40 मिनट में 1500 मीटर और 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तदनुसार उसे कुल यात्रा का औसत मीटर ज्ञात कीजिए। देखिए औसत क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी कितना हो गया आपका, हो गया 2000, 1500 और 500, 4000 टोटल हो गया, कितना 4000, ठीक है मीटर। अब समय कितना हो गया, 70 10 80 मिनट, 80 मिनट हो गया, काटेंगे जब से 5 50
मीटर प्रति मिनट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नौ संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, नौ संख्याओं का औसत 50 है, तो नौ संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा। अच्छा, अब पहले पांच संख्याओं का औसत 54 है, तो 5 × 20, 5 × 20 2 × 5 = 25, 2 × 27 तो 270 हो गया। अंतिम तीन का कितना है? 3 × 6 और 3 × 5 = 15, 156 है। अभी दोनों को ऐड कर लेंगे, जब 6 और 12 4 426 आ गया, 426 आ गया, इन अलग अलग मिलाएंगे तो। अब जब इतना आ गया इसका, तो पूछा क्या जा रहा है कि छठी संख्या के बताना है, छठी संख्या के क्या हो जाएगा, कौन सी है छठी संख्या। जब इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा तुरंत 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 34, कितना 34 नहीं 24, यहाँ पे 4 बचा ना, 24 कितना आंसर, 24 आया हमारा छठी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 4000 पर 18 माह में 12% ब्याज वार्षिक दर की कितना साधारण ब्याज कितना होगा, अर्जित होगा। ठीक है, देखिए 4000 की बात करा, सिंपल फार्मूला लगा देंगे, 18 माह क्या है, इसे ईयर में बदल देंगे, गुणे 12 कर देंगे, नीचे 100 रहता ही है, 0 0 कटेगा जब, इधर हो जाएगा, फिर इधर पे 12 12 कट गया, 40 18 = 72 होता है, 720, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 1000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं यदि आप लोग प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से, तो 3 आ जाएगा, लेकिन देख लीजिए कैसे आ रहा है 3। ठीक है, करा 1000 की राशि, ठीक करा है कि हमें पता नहीं कि कितने वर्ष लेना है, और 1331 हो जा रहा है। ठीक, ये 0 0 कटा तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 11/10 एन मानते हैं, हमें नहीं पता है, 1331, 1000 इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बताइए कि 10 का क्या करें, क्यूब करें, स्क्वायर करें, कि पावर 4 करें, कि 1000 आएगा, तो सभी लोग जानते हैं क्यूब करेंगे, और 11 का क्यूब करेंगे तभी आएगा 1331, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 रहेगा, तभी हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक दुकानदार में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब के बराबर है, और 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है, और 4 आम का कीमत 9 नींबू के बराबर है। यदि 3 नींबू की कीमत आपका देखिए यहीं पे आए, क्वेश्चन का आंसर हमारा यहीं पे शुरू हो गया कि 3 नींबू की कीमत जो है 48 पैसे हो, तो 1 नारंगी की कीमत क्या होगी। देखिए 3 नींबू की कीमत 48 पैसे है, तो 1 नींबू की कीमत कितना हो गया, 16 हो गई ना, 16। ठीक है, अब जब बताइए 1 नींबू की कीमत 16 हो गया, तो 9 नींबू का कीमत कितना हो गया, 144, 16 × 9 = 144, जब 144 हो गया यहाँ पे, 144 एक की होगी, तो 4, 1 आम की कितना हो गया, 4 × 3 = 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 = 36 हो गया, 1 आम का 36, 3 आम का क्या हो गया, जो 3 आम का अगर 36 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 × 6 = 18, और 3 × 3 = 9 = 10, 108 हो गया 3 आम का। ठीक है, जब 3 आम का इतना हो गया, तो 1 सेब का कितना हो गया, 3 आम का 5 सेब के बराबर है। ठीक है, तो 108/5, 1 सेब के 5 हो गया। अब जब 1 सेब का 5 हो गया, तो यही तो बराबर है ना इसके, 5 देखिए यही तो बराबर है 9 नारंगी के, जब 9 नारंगी का इतना हो गया 108, तो 1 नारंगी कितना होगा, जब भाग देंगे तो 12 × 9 = 108 होता है, 12 पैसे, कितने 12 पैसे। देखिए कैसे किया गया है, पीछे से चले जाते हैं, 16 हो गया, 3 नींबू का मूल्य यदि 48 पैसे है, तो 1 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा, 16 पैसे हो जाएगा ना, सीधे से जब 16 पैसे हो जाएगा, फिर ऐसे ही पीछे चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते आपका जब इतना आ जाएगा, तो 9 नारंगी की कीमत आ जाएगा, कितना 9 नारंगी की कीमत आ जाएगी 108 रुपया, तो 1 नारंगी का कीमत कितना आ जाएगा, 108/9, और
इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 12 पैसे। ठीक है, चलिए देखिए, इतना आपका हो जाएगा एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची जाती है, उसकी लाभ राशि कितनी है? ठीक है, ध्यान दीजिए कितनी लाभ राशि है, कुछ रहा होगा उसका लागत, इतना पे वह लाभ बेच रहा है 12.5, तो 112.5/100 हो गया, बराबर 4500 हो गया। अच्छा, जब इसको काटेंगे दशमलव हटेगा, 0 नीचे 1000 आ गया, 25 चौका और 25 में करेंगे तो 45 आ जाएगा ऊपर, 45 इसे काटेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में जब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। ठीक है, 4000 आ जाएगा, और x बराबर जो 4000 था, ठीक है, और वो बेचा गया 500 में, कितना ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 8000 रुपये की लागत वाली एक वस्तु की अंकित मूल्य 11200 रुपये है, एक्स की छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो एक्स का मान कितना होगा? देखिए लागत कितनी है, 8000, अंकित मूल्य कितना है 11200, छूट कितना दिया गया नहीं पता है, 12% का लाभ मिला। ठीक है, छूट देखना है, अब बताइए छूट, पहले तो ये जान लीजिए कि कितना लाभ हुआ, 12% ना, तो 8000 का 12% 112/100 हो गया, बराबर 112 इतना, और छूट कितना दिया गया 100 - x/100, 100 से 100 कटा, 112 से 112 कटा, यहाँ पे 2 0 तो 2 0 कट गया, इधर 80 बचा, इधर 100 - x बचा, तो जब 100 को 80 को इधर करेंगे और एक्स को इधर करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100 में से 80 जाएगा, तो 20% आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि साइमन ने एक साइकिल 810 रुपये में खरीदी, उसने 13.5 वैट अदा किया, मतलब वैट टैक्स अदा किया, वैल्यू एडेड टैक्स, साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी थी? देखिए क्या करना है आपका, सीधे सीधे इसमें, पहले तो हमें पता नहीं था ना सूचीबद्ध कीमत कितनी थी, मान लेते हैं एक्स है कीमत उसकी, जब एक्स कीमत है उसकी, यहाँ पे देखिए एक्स लिख लेते हैं, अब इसमें वैट कितना अदा किया हमें नहीं पता है, वैट वी लिख लेते हैं, 100। ठीक है, अच्छा अब वैट कितना था आपका, 13.5, ठीक है 13.5 तो हो जाएगा आपका यक्स गुणते 100 + 13.5/100 बराबर कितना बेचा हम लोग, 6810 रुपये में। ठीक है, अच्छा जब 6810 रुपये में बेचा, इतना आ गया हमारा आंसर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 इधर 75 हो जाएगा, और ये सब इतने नीचे आ जाएंगे ना, चलिए कर देते हैं इसको नीचे, इसको ऊपर हो गया आपका 100 + 13.5, ऊपर गुणे 100 हो गया, हुआ ना, और इन ब्रैकेट में है। ठीक है, सॉरी इतना हो गया आपका। इसके बाद अब हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, बस इतना ही हमारा मैटर बचा, तो हो गया हमारा 6810, 6810 गुणते 100 बटे, आपका 100 में 13.5 ऐड करना था, तो 113.5 हो गया, हो गया ना। ठीक है, अच्छा जब इसे हटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है, सीधे सीधे काटना है, 5 से काटेंगे, 5 दुना के 10, 5 दुना के फिर 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 तीन 15, 5 चक्का 30, 5 दुना के 10, इतना आ गया। ठीक है, अच्छा अब अच्छा डायरेक्ट 6 बार काटेंगे तो हमारा देखिए 6 सत्ते 42, 6 दुना के 12 और 4 16, 6 दुना के 12 1 13, एकदम कट जाएगा पूरी पूरी बार, 6 बार काटेंगे, टोटल कितना आ गया, 6000 आ गया, 6000 आ गया सूचीबद्ध मूल्य हमारा एक्स इज इक्वल टू, और ये बोलो आंसर आप लोगों का आ जाएगा 6000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ए संबंधित बी बराबर 5 संबंधित 3 है, तो ए प्लस बी
और ए माइनस बी का मान बताइए संबंध में। ठीक है, सीधे सीधे आप लोग बता सकते हैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा 8 और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2, तो 8/2 कितना होता है 4/1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 16, 48, 104 का सीधे सीधे मतलब पता सभी लोग पता होगा कितना आ जाएगा, 8 से सभी डिविजिबल है ना, 8, 8, 8, ठीक है 8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, और वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिससे 18,000 को विभाजित किया जाए तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। देखिए यदि 18 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 1,000 आएगा, और 1,000 जानते हैं पूर्ण घन है किसका, 10 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ए बी से 120% अधिक है। ठीक है, यदि बी को हम लोग मान लेते हैं कि 100, तो कितना अधिक है ए, आपका ए जो है बी से 20%, मतलब 120 हो गया यह ए, और सी जो है बी से 20% कम है, मतलब सी कितना है इससे 20% कम, 80 मान लीजिए हो गया। अच्छा अब फिर क्या करा है, सी जो है ए से कितने परसेंट कम है, सी वैसे तो कितना है 40 कम है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 40 कम है किससे, 120 से गुणे 100, अब इससे काटेंगे तो 4/3, 100/3 कितना होता है 33.33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ए किया है का 80% 324 रुपया है। ठीक है, तो एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी किया है ए किया से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पहले तो ए किया निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 80% है ए किया 324। ठीक है, काटेंगे तो 8 चौका और 8 एकम 400, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 410 आ गया, तो ए किया कितनी 410 है, और 410 ही होगा ना आपका, 8 चौका 32, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए डिवाइड करते हैं फिर से, 80/100 = 324 हो गया, 20 चौका 80, 20/25 100, यहाँ पे हो गया 4/32 81 आएगा और 405 आ जाएगा। ठीक है, 405 कितना, 405, 405 है जब है, अब ये कितना कम है इससे, तो आपका हो जाएगा माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 81, 81 कम है ना किससे, 81 कम है 405 से, कितना यहाँ पे करेंगे कितना, अच्छा अधिक की बात करें कितना अधिक है 81, और किससे अधिक है 405 से, जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से इससे काटेंगे 20, 20% ज़्यादा है, जो 20% है बी की आय 81 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं। ठीक है, जिनमें से 10% लड़कियां और लड़कियों की संख्या 90 है, 10% = 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 900, अब जब एक्स बराबर 900, आपका एक्स का 18% 900 है, तो 18×25 500, 5,000 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कैसे आया कि एक्स का 18% बच्चे हैं और बच्चों की संख्या आ गई 900, और 18% की बात है 100 नीचे आ जाएगा, 18×25 90 होता है 50 आ गया, और 50 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बना सकता है, और बी जो है आपका उसी जोड़े को 9 दिन में बनाता है, तो दोनों मिलकर 2 जोड़े मोजे कितने दिन बनाएंगे। देखिए पहले तो 3 और 9 एक एक मोजे करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, आपका हो जाएगा 3, 1, 9/4, इतने दिन में 1 जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े कितने दिन बनाएंगे आपका, 2 से काटेंगे 9/2, 4.5 दिन में, कितने दिन में 4.5 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाता है, अमाउंट डीवन पे है 12 बंदर 12 केले सॉरी 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खा सकता है, तो 4 बंदर 4 केले मान लेते हैं 1 दिन में खा सकता है, 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 = 12, 12 मिनट में खा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए एक निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी, 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन तक
तक चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों तक थी? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाना। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि मान लेते हैं हमें सैनिकों की संख्या पता तो नहीं थी ना उस समय, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और कितने दिन चला हो जाओ भोजन टोटल, वाई दिन चलता, ठीक है। अब यक्स दिन आपका हो गया और वाई सैनिक हो गए टोटल। अब 20 दिन बाद मतलब वाई माइनस 20 हो जाएगा ना, 20 दिन बाद बराबर यक्स जो टोटल सैनिक थे आपका, इसमें से कितने छोड़ के चले गए, 1/4 हिस्सा, ठीक है, और अब कितना चला वाई, ठीक है, भोजन निकालना है कितने दिन चला। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 20x बराबर एक्स वाई माइनस एक्स वाई 4, एक्स वाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक्स से एक्स कट गया, वाई बराबर वाई अपन 4 बराबर 20 आ गया। तो वाई अपन 4 इज इक्वल टू 20 आ गया, जब तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 80। 80 दिन टोटल खाना चला होगा, भोजन चला होगा उस कैंप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट के आंसर तो हो गया पूरा 100%। ये रहा आप लोगों का मैथ क्वेश्चन। मैथ में केवल वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग अपना इवेल्युएट खुद करिए, इवेल्युएशन खुद करिए आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। डेली यदि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, समझ जाइए कि आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। सभी क्वेश्चन छांट के आ जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से आ जा रहे हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। आपको यदि सभी क्वेश्चन एक दिन मिल रहे हैं तो अगर ऐसे ही 10-15 दिन लगातार कर लेंगे, समझ जाइए कि अच्छे से हो जाएगा तैयारी आपकी, ठीक है। चलिए शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।